क्योंकि खुद को निमित्त बना ले, क्योंकि गुरुजी की सेवा के लिए खुद को आगे करने पर स्वयं गुरुदेव का कृपा उस व्यक्ति को आगे लेके जाता है। तुम योग्य बनोगे फिर सेवा करोगे, इस तरह का तुम्हारा विचार अनुचित विचार है। तुम अपने योग्यता को एक किनारे न रखकर गुरु सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर जब तुम सेवा करने के लिए आगे जाओगे, तब तुम्हारे ऊपर कृपा करके गुरुजी अपना निमित्त तुमको बनाएंगे अपनी सेवा का और सेवा करवाएंगे। ऐसा गुरुजी ने कई साल पहले बोला था कि देखो, तुम गुरुजी का होकर के रहना, मुझे बोला था किसी संदर्भ में, तुम गुरुजी का होकर के रहना, बाद में तुमसे जो सेवा करवाना होगा उसके लिए गुरुजी तुम्हें अपने आप ही वो करे, स्वीकार करे। जैसे बोलते हैं, एक पोछा आया, पड़ा हुआ है घर में, कपड़ा पड़ा हुआ है कोने में, यूज ही नहीं कर, लेकिन कुछ गिर गया तो आदमी क्या करता है, नया पहना हुआ कपड़ा थोड़ा होता होता, इधर उधर देखे कौन सा पोछा टाइप का कपड़ा सीधा उठा के डाल देता है, पूरा साल यूजलेस है, लेकिन मालिक को पता है कि ये मेरा कपड़ा है, मेरे घर में पड़ा है, और जब जरूरत होगा उसको संकोच नहीं होता उस वस्त्र को या उस पदार्थ को यूज करने के। गुरुजी ने बोला इसीलिए मालिक का होके रहना, गुरुदेव का होके रहना, और कैसे रहना है वो महाराज जी ने बताया है कि सेवा वृत्ति के साथ में रहना है, कि मैं सेवा करूं गुरुजी का। गुरुजी का सेवा क्या है? उनकी वाणी की सेवा, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं की सेवा, परम गुरु जी का सेवा। महाराज जी ने जो किया कैसे किया, परम गुरु जी की हृदय की बात को आगे करके उसी को आगे ले जा करके सेवा किया। उसके लिए क्या संन्यास, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, किसी भी मठ का कोई पद या संन्यास कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा थे, सेवा ही जीवन था, इसीलिए उनको परम गुरु महाराज जी ने भक्ति केतन बोल के गौर आशीर्वाद भी प्रदान किया था। केतन मतलब ध्वजा, वो शुद्ध भक्ति के लिए एक तरह से ध्वज स्वरूप में थे, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के जब 500 साल हुआ 1985 में, तो श्री गुरु महाराज उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, तब गुरुजी ने उनको नाम दिया था श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी। गुरुजी ने तो भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी महाराज नाम दिया, लेकिन हम ऐसे संबोधन हम नहीं करते, हम शिष्य। गुरुजी के साथ असम में विभिन्न स्थानों में प्रचार में गए थे, अद्भुत संकीर्तन किया करते थे, इस तरह से गुरुजी के साथ थे, एकदम गुरुजी के साथ में सब समय रहते थे। एक समय की घटना मैंने महाराष्ट्र से भी सुना, सेवकों से भी सुना था कि गुरुजी नगर कीर्तन के लिए कीर्तन करते करते, गुरुजी हमेशा कीर्तन करते थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, अभी महाराज जी मृदंग बजा रहे, एक आदमी कंसा बजा रहे, गुरु जी कीर्तन कर रहे, और भी लोग कर रहे, करते करते गुरु जी चल पड़े, माइक पीछे रह गया, रथ पीछे रह गया, कलकत्ता में सब कुछ पीछे रह गया, मठ से चलकर राजबिहारी एवेन्यू का वो जो मोड़ है चौरास्ता, वहां तक पहुंच गए ये तीन लोग। हम क्या करते हैं, भाई जी रुक जाइए, रुक जाइए, और जबकि गुरु भाई है तो और अधिकार के साथ बोल जाते हैं, रुक क्यों, थोड़ा सम्मान के साथ, अभी नहीं। महाराज जी ऐसे नहीं, गुरु जी का जो भाव है, जिस धारा में गुरु जी का वो भाव प्रवाहित हो रहा है, महाराज जी उसी भाव का अंगत करते हुए गुरु जी के साथ साथ
पूरी मेन रोड में कोई नहीं है, सिर्फ तीन ही लोग खड़े हैं बीच चौराहे पे। जब कीर्तन गा गा के जैसे गुरुजी विश्राम देते थे, जब बाह्य ज्ञान को आए आए और गुरुजी विश्राम दिया, देखा तो सिर्फ तीन लोग खड़े हो, रथ तो सारा कुछ तो पीछे ही रह गया। एक बार ऐसा हुआ महाराज ऐसे गुरुजी के साथ में रहते थे, तो जो हो महाराज जी का 85 के बाद हुआ, फिर शरीर थोड़ा सा ज्यादा अस्वस्थ हुआ तो स्थूल रूप से चल नहीं पाए। लेकिन पेनिस माइटर देन ने स्वाड करके एक कहावत है, तलवार से भी बहुत अगर कोई ताकतवर है वो तो कलम है, जो काम कलम कर देता है वो तलवार नहीं कर सकता। आप देखो जितना होता है वो कलम का ही प्रभाव है कि हमें सुनने में इतना बड़ा लगता है, मतलब शब्द कलम मतलब शब्द, पेन तो अपने आप में कुछ नहीं, कहने का मतलब है कि शब्द, उस असमर्थ शब्दों को अपने गुरुवर्गों के दिव्य शब्दों को उन्होंने सुंदर रूप से जगत के सामने प्रकाशित किया था। वो ऐसे महाराज श्री हैं, उनका अभी तिरोभाव लीला हुआ, बहुत कुछ है लेकिन ऐसे ही बोलते बोलते टाइम भाग जाता है। बड़े महाराज जी ने भी कथा करनी है, इसीलिए पर विश्राम देता हूँ। हम लोगों को समझना चाहिए, हमारे गुरु महाराज जी के मुखारविंद से एक बार मैंने सुना था, गुरु जी बोलते हैं भगवान के भक्त अनंत हैं और ऐसे ऐसे भक्त हैं। गुरु जी बोलते हैं हम तो कईयों को देखा नहीं जानता नहीं, इसीलिए हम लोगों को समझ नहीं पाता, लोग नहीं समझ पाता। भक्त बड़े अद्भुत होते हैं, भक्त क्या करते हैं अपने आप को प्रकाशित करना पसंद नहीं करते, वो सेवा को गुरुत्व देना पसंद करते हैं। वो लोग अपना परिचय अपना पहचान को कभी भी आगे करना नहीं चाहते, उनका ऐसा स्वभाव, वो लोग सिर्फ सेवा से मतलब रखते हैं। तो इसीलिए कई ऐसे भक्त हुए और कई अपना पहचान को आगे रखते भी हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित महाराज को विश्वास दिलाने के लिए सुखदेव जी महाराज बोलते हैं परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलाया। तुम ये मत समझना कि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं, मैं निर्गुण में मतलब ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के बाद भी मैं साधक नहीं हूं, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हूं उस निर्विशेष ब्रह्म के प्रति होने के बाद भी भगवान की लीला ने मुझे आकर्षित कर दिया परीक्षित, इसीलिए तुम भी उसी मार्ग में आगे बढ़ो। भक्त अपनी महिमा को बताते हैं, वो महिमा नहीं वो एक प्रेरणा, कई ऐसे भी होते कई ऐसे भी होते जो प्रकाशित करते वो हमें समझ में आता है, कई ऐसे प्रकाशित नहीं करते हैं वो नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों का गुरुत्व कम है, गुरुजी बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें निष्कपट भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि भक्ति क्या है, भगवान का सेवा क्या है, उसके बाद किस प्रकार से मैं भजन में आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं आपको प्राप्त करूंगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे पाऊंगा, इस चीज की कामना को लेकर हृदय के अंदर जब भगवान से निष्कपट भाव से प्रार्थना करते हैं तो गुरु महाराज जी कहते कि ऐसे ही महानुभावों का आशीर्वाद, हम उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, वो लोग लेकिन हमें जरूर जानते हैं। जो व्यक्ति अपने मंगलकांक्षी है उन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए उनकी कृपामयी दृष्टि सब समय जगत पर रहता ही है, इसीलिए उनका कृपा हम लोगों के ऊपर अपने आप आएगा और हम लोगों का जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। छात्र उत्तर कृपा पतिता नाम वैष्णव मुखं करोति वाचा अंगुं भंगयते गिरिं
सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च मातर्देवो मन्शाकल्पतरु कृपासिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो सबसे पहले परम आराध्यतम पति पावन परम करुणामय श्री राधा जी की सेवा में नित्य विराजमान ओम विष्णु पाद परमहंस प्रवर्तिकाचार्य चतुर्दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी सर्वदेव के चरणों साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनकी रही परम पूज्यपाद नित्य लाभ अष्टम विष्णु पाद श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन अश्विनी स्वामी महाराज परम पूज्यपाद नित्य लाभ अष्टम विष्णु पाद श्री मचा प्रसाद दास बाबा जी महाराज उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम सबके लिए वैसे तो ये हिमाचल मित्र मंडल में कुछ जनरल टॉपिक होना चाहिए था, विषय होना चाहिए था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हिमाचल मित्र मंडल के लोग नहीं आए, क्योंकि जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। साधारण लोग इसे समझ नहीं सकते, गिर जाएंगे। उसकी तरह लपेट दो, एक लपेट नहीं हो रहा, परसों हमारे गुरुदेव के अभिन्न प्रकाश, गुरुदेव के भाई जिनका बड़ा चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह चले गए, और आज परम पूज्यपाद मथुरा प्रसाद बाबा जी महाराज चले गए। ये दुर्भाग्य है हम सबका कि ऐसे वैष्णव लोग हमें सब छोड़ करके जा रहे हैं, जो कि भगवान के अत्यंत प्रिय, भगवान जिनके साथ लीलाएं करते, जिनको राधा आकर के ठाकुर जी की सेवा में आज क्या बाधा हुई है, फलाने सेवक ने आज ये भूल कर दी है, जिनको बोलते वो मथुरा प्रसाद बाबा जी महाराज 61 से लेकर के लगभग 50 साल तक लगातार वृंदावन मठ में 61 से लेकर के लगभग 50 वर्ष सेवा लगातार करते रहे,
उससे पहले लगभग 1950 में मठ में आए। 1950 में आने के बाद से जब त्रयश्री महाराज जी आए लगभग उसी के आसपास महाराज जी आए, बाबा जी महाराज आए, तब से श्री चैतन्य मठ, जबकि इस कौन का जन्म नहीं हुआ, हमारा चैतन्य गौड़ी मठ का जन्म नहीं, मतलब प्रकट नहीं हुआ, नॉट जन्म वर्ड इज नॉट गुड, प्रकट नहीं हुई, मतलब उस वक्त जबकि मूल शाखा थी, उपशाखाएं नहीं निकली थी, वृक्ष नहीं बना था, उस वक्त उस मूल शाखा के मूल मठ में मूल विग्रह श्री राधा गांधर्विका गिरधारी जी की सेवा में विराजमान थे हमारे परम पूज्य पाद बाबा जी महाराज। ऐसे निरही वैष्णव जिनको गुरुजी मिलने के बाद गुरुजी कई बार उनके हाथ को अपने सिर पे रखने की कोशिश की और वो उनके चरणों में झुकने की कोशिश की। महाराज जी, बाबा जी महाराज गुरुजी के चरणों की तरफ झुकते और गुरुजी इनके हाथों को लेके सिर की तरफ रखने की कोशिश, मतलब ऐसे महान वैष्णव साइलेंटली चले गए। साइलेंटली मतलब उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया कि मेरे साथ कैसे कैसे ठाकुर जी की वार्तालाप होती है, क्या होता है, कभी नहीं प्रचार। हमने अपनी आंखों से देखा उनकी सेवा निष्ठा को। रोज सवेरे उन्होंने 3 बजे उठ करके अपना स्नान करना, स्नान करने के बाद फिर जमुना जी में जाना, जमुना जी में जाकर के जमुना जी में स्नान करके जमुना जी का जल भरना, जमुना जी का जल छान करके भर के उसको अपने मस्तक पर लेके आना, बगल में लेके आना, ला करके उसके ठाकुर जी का अभिषेक उनसे करना नित्य प्रति। एक दो दिन की बात नहीं है, हम तो ठंडियों में तो ऐसे ही राम नाम सत्य हो जाए हम लोग, लेकिन उनका हमने देखा अद्भुत हो जाना नित्य प्रति। एक दिन भी नागा नहीं होना भगवान की सेवा में, एक दिन भी देरी नहीं होनी। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई ग्रस्त गुरु भाई लोग हैं, बहुत संसार के काम है उनको, बहुत काम है, लेकिन यदि इनके सेवा की अगर समय का मैं आपको शेड्यूल बताऊं तो आपको लगेगा कि हमारे से बड़ा आलसी कोई नहीं। देखिए 3 बजे उठे, नहाए धोए, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाके जमुना जल लाना, पैदल जाना, पैदल आना, आ करके फिर ठाकुर जी की मंगला आरती करनी, मंगला आरती के बाद में ठाकुर जी को, उससे पहले भोग लगाना भगवान जी, मंगला आरती के बाद में फिर ठाकुर जी का श्रृंगार छोड़ना, फिर उनका श्रृंगार करना, फिर भगवान जी का अभिषेक कराना, फिर भगवान जी को श्रृंगार भोग करना, भोग देना, करते करते लगभग उनको 10:30 बजे, 10:30 बजे उन्होंने थोड़ा सा कुछ अनुकल्प ठाकुर जी का फल प्रसाद खाया, खा करके बैठ के हरिनाम करते कि मेरी माला करनी, माला करते करते थोड़ी झपकी ले गई, बस एक झपकी के बाद में फिर टाइम हो जाता लगभग 11:45 बजे वो ठाकुर जी के भोग को सजाने चले जाते, भगवान का भोग सजाते, भोग लगाते, लगाने के बाद में ठाकुर जी को आरती होती, शयन होता लगभग 12:30 और 1 बजे, उसके बाद में ठाकुर जी को शयन दे करके आके ठाकुर जी का प्रसाद पा करके फिर माला करते 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 ठाकुर जी का श्रृंगार, शाम को क्या बदलना है, शाम को क्या श्रृंगार करना है, क्या फूल लगाने हैं, कई बार फूल माला बनाने लग जाते थे, कई बार जो आगे का श्रृंगार करना है, पोशाक बनवानी है, पोशाक बनाने वाले के साथ बैठना है। दिन के समय मैंने नहीं देखा कि प्रैक्टिकली जो एक निद्रा होती है किसे कहते हैं उनकी, उनकी लाइफ में ऐसे लेटते थे पैर के ऊपर, पैर ऐसे लगाकर करवट, ऐसे करवट करवट में सोना, और जैसी नींद आती है ना तो पैर ऐसे होता है, तो नींद आई ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक दिन बोला बाबा जी महाराज आप आराम से सीधा लेट जाइए, कहते नींद आ जाएगी सेवा कौन करेगा। तब बंदरों का बहुत उत्पात था वृंदावन में, अब तो जंगला लग गया,
बंदरों का बहुत उत्पात था। सोने का तरीका भी इसीलिए ऐसा कि कहीं मुझे आ जाए, शरीर को रेस्ट देनी है, देनी फिर शाम को ठीक 4 बजे फिर तैयार हो जाकर भगवान की सेवा, नहा धो करके फिर तैयार, फिर रात को 9-9:30 बजे तक ठाकुर जी की सेवा, उसके बाद फिर हरि नाम लेना, फिर रात लगभग 11 बजे जाकर के 10:30-11 बजे उनको विश्राम के लिए समय मिलता था। इसके बीच में ठाकुर जी की सेवा किस परिपाटी से करते थे आप विचार करके देखिए, हम लोगों को उन्होंने कभी छुआ दिया? सेवा में होते थे कुछ भी देना तो ऐसे है, मतलब इतनी दूर से देते थे प्रसाद वगैरह जो भी था कि मेरा कोई स्पर्श तोष ना होता, कि जो लोग भी हम लोग जाते हैं हम लोगों को पता ही नहीं है कि पवित्रता पवित्रता क्या होती है। पंजाबियों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, इधर के लोगों को भी नहीं बिल्कुल पता, खाया इस हाथ से और कपड़ों में पोंछ दिया, यहाँ हाथ धो के कपड़ों में पोंछ दिए, जहां तहां बैठ लिए, हमें पवित्रता का पता ही नहीं है। महाराज जी के अंदर प्रसाद दादाजी महाराज के अंदर पवित्रता ऐसी थी कि उन्हें अपने शरीर से स्पर्श किया हुआ कोई भी वस्तु भगवान की सेवा में लगने से पहले 1000 बार उसे धो लेंगे, मतलब इतना ज्यादा उसे पवित्र भाव में ठाकुर जी को समर्पण करते कि मेरा शरीर योग्य नहीं है। यहाँ तक कि आचमन दे रहे हैं, अब आचमन देने के समय में तो आप घंटे बजा के आचमन दे रहे हैं, तुले दे हम लोग बजाने लोग क्या करते, वो ऐसे नहीं बड़े प्यार से आचमन, आखिर आखिर में मैंने उनको देखा कि ऐसे करके मैं छोड़ रही हूँ, तो मैंने पहले तो आप बड़े प्यार से जानते भी ऐसे कहते वो है वो क्या है वो ही जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो सेवा के अंदर उनके हर वस्तु को उठाने के बाद हाथ धोना, इसके बारे में मैंने बाबा से पूछा, मैंने हर बात में हाथ धोते, हाथ में क्या लग जाता, भगवान के फूलों को पकड़ा आपने, कहते देखो भगवान के चरणों के फूल को हाथ लगाया, अभी भगवान के मुखारविंद में मैं मस्तक की माला दूंगा तो चरणों का जो रज है वो तो मस्तक में लग जाए, तो हाथ बना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, श्रृंगार करते करते कैसे पवित्रता होती, उनके हाथ यहाँ से गलने लगे, डॉक्टरों ने बोला कि अगर आप ज्यादा देर ऐसे करेंगे तो कीड़े पड़ सकते, चमड़े गल गए, उनका कि ऐसी बात है तो भी मैं क्या करूँ, कहते हाथ नहीं धो, कहते कोई और सेवा में आ जाए, तब हमारे आदि केशव पुजारी थे उनकी सेवा में साथ में, जिससे उनको थोड़ी देर हवा मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उन्होंने ऐसा नहीं कि गर्म पानी करके, और ऐसी सेवा परिपाटी हमने कहीं भी नहीं देखी, किसी भी मंदिर में नहीं देखी। उस सेवा से प्रसन्न होकर राधा रानी जब अब जैसे आदि केशव वगैरह सेवा में आ गए तो बच्चे लोग हैं, अब उनको ठाकुर जी को तो रोज भूख लगती है, हमें हमारे सामने नहीं लगती अलग बात, लेकिन उनके लिए तो लगती है, अब भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी, खाना भी खाएंगे सोएंगे भी, और उसके बाद में दुलार भी अगर पुजारी जी नहीं करेंगे तो सोएंगे भी नहीं, पुजारी जी डेली मतलब प्रसाद बाबाजी महाराज डेली आकर के ठाकुर जी के सामने खड़े होगी, हरे कृष्ण रात शाही है ठाकुर जी बड़े प्यार से टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, और मानो ऐसे कह रहे कि हाँ अभी आ जाइए आप लोग शयन हो गए, पुजारी जी को बुखार चढ़ गया नहीं आ पाए, सामने समर्थ नहीं है खड़े होने के लिए, राधा रानी रात को आती हैं, मैं कई एक बातें जो है बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी वो नहीं है तो महिमा शारीरिक रूप से नहीं है तो उनकी महिमा प्रकाशित होनी चाहिए। राधा रानी को नींद नहीं आ रही, राधा रानी कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, तो पुजारी प्रभु जी बोले ए पुजारी अपने से, जो सेवा में क्या तुम शयन नहीं दिया ठाकुर जी, हाँ महाराज जी शयन कैसे दिया, कहते ऐसे ऐसे दिया,
तो फिर राधा रानी क्यों सारी रात जागती है? अभी क्योंकि बाबा नहीं पहुंचे, अगले दिन बाबा बीमार अवस्था में वहां पे खड़े हो गए थे, मतलब आराम कर लीजिए आप। ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान ही लीला करते हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वही मांगे बिहारी जो किसी भक्त के पीछे भाग लेते हैं चले जाते हैं, वही राधा रमन जी जो शालिग्राम से प्रकट हो जाते हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो बात ही नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? हम उनसे बात ही नहीं करते, हमारा उनके प्रति प्रेम ही नहीं, नहीं ही नहीं है, स्नेह ही नहीं है, कभी कोशिश ही नहीं की भगवान जी को सुना दे। कीर्तन गाते समय भगवान जी के लिए गा रहे हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, वो रीझ रहे हैं, ये भाव ही नहीं होता। हम अपने उसी कलाकारियां और अदाकारियों में रह जाते हैं, इसके कारण क्या होता? भगवान जी तक पहुंच ही नहीं पाती हमारे। और ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण बड़ी भारी कावार पड़ा, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम बड़ी धीरे धीरे। यहाँ विष्णु बैठी है, हमारे महाराज जी हैं, जो लोग उनके पास में गए हैं पुष्प जी वगैरह गए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बाबा जी महाराज के पास गए, जो लोग पास में गए और विशेष करके जिनके साथ संबंध थे, आज उनका दिल कैसा है मैं मतलब बता नहीं सकता। मुस्कुरा जरूर रहा हूँ इसलिए कि कहीं अंदर का जो है ना रोना ना भूल जाए। जैसे मैं अपने गुरु जी के लिए कहता हूँ करोड़ों माताओं का स्नेह, महाराज जी का ऐसे ही देखा। जो भी पास में जाता उन्हें ऐसा लगता बाबा हमसे ही प्यार करते, हम मेरे से सबसे ज्यादा ऐसा मेरे घर ऐसा महाराज जी का स्नेह, बाबा जी का स्नेह। श्रृंगार के लिए, सेवा के लिए, मतलब बड़े पुजारी जी अगर कोई इस वक्त गगन में है, धरती में थे, तो बड़े पुजारी जी बोल करके पूरे गौड़ीय वैष्णव, पूरे गौड़ीय वैष्णव, सिर्फ बड़े पुजारी। आज भी वृंदावन में बड़ा मठ बोल करके आप पुराने लोगों में से किसी बड़े मठ में जाना, बड़ा मठ बोलने से हमारे ही मठ, अद्भुत उनका जीवन रहा। उनके विषय में उन्होंने ज्यादा बतलाया नहीं और कोई उनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाया, जितना उन्होंने बतलाया उतना ही थोड़ा बहुत बता पाया, अन्यथा ऐसा आदर्श देखने में पूर्णतः भगवान को समर्पित हो, और ऐसा समर्पण कि भगवान भी उनके लिए समर्पित हो, भगवान भी उनके हाथों में खेले हों। जब ठाकुर जी को झूले के लिए लेके आते थे, राधा रानी को अपनी गोद में लेके जब आते थे, अत्यंत सुंदर लगती राधा रानी, सुंदर लगती। याद होगा आपको जो उसको लेकर, और गुरु जी भी बड़े प्यार से राधा रानी को उनकी गोद, हालांकि ऐसे पूरी शरीर ऐसे की जगह ऐसा हो चुका था, तो गोद में ऐसे करके जब राधा रानी आनी छोटी सी, तो पूरा तो ऐसे करके हो चुका, इतना मतलब वो स्नेह, वो नेह भगवान से लगाने के लिए भगवान को भी शायद तपस्या करनी पड़ेगी। ना जाने कितने वर्षों बाद कोई ऐसे महापुरुष आएंगे जो उनसे नेह करें। भगवान भी तपस्या करते हैं भक्तों के लिए, ऐसे भक्त जो माधवेंद्रपुरी की तरह हों। माधवेंद्रपुरी बात को बोलते हैं जो तुम्हारा इंतजार कर कि कब आएगा माधवेंद्रपुरी, कब आएगा। मेरे शरीर में जलन हो रही है, मुझे चंदन और कर्पूर का लेप कर दो। बताओ जी, आपके राजा महाराजा सारे नौकर चाकर हैं, आप किसी को बोलो करवा लो, बेचारे बुढ़े 70-80 साल के, इनको आप बोल रहे हो, और वो से पैदल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं चंदन लेने के लिए, और वो भी कैसे देखो माधवेंद्रपुरी जी कैसे है कि वो भी चल दिए, यहाँ उन्होंने मांगा है, सपना आया, ऐसा नहीं सोचा कि सपना आया।
तो ये काल्पनिक बातें नहीं है, इन महापुरुषों के संग के कारण ही मेरे जैसे जीव के अंदर भी विश्वास बना कि नहीं, भगवान की सेवा करने से भगवान बात करते हैं, भगवान लेते हैं देते हैं, उनका व्यवहार होता है। ये बात है। और विशेष में महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, आज जो उसे पूरा करने वाला कोई नहीं। जिस वक्त ऐसे महान पुरुष धरती को छोड़ते हैं तो धरती भी अपने आप में दुखी होती है कि आहा, ये गोविंद के वह परिकर हैं, जब वह सेवक हैं जिनकी गोविंद सेवा लेते थे, वो चले गए। आज के दिन उन्होंने शरीर को सवेरे 7:30 बजे लगभग 6:45 पौने 7 बजे उन्होंने शरीर को त्यागा और कल सुबह 9 बजे उनके शरीर को जमुना जी के किनारे अग्नि संस्कार होगा। और मैंने निवेदन किया है वैष्णवों से कि अस्थि समाधि भी उनकी हो, जिससे कि वैष्णव लोग जाकर उनका दर्शन कर पाए। परम पूज्यपाद पुरी अश्विनी महाराज जी का जो है वो भी अग्नि संस्कार हुआ, अग्नि समाधि हुई और उसके बाद में अस्थि समाधि भी उनकी हुई मायापुर धाम में। और मथुरा गोवर्धन में भी हम लोग उनकी अस्थि समाधि आश्रम में पुरी अश्विनी महाराज जी की करेंगे। तो हम सबका सौभाग्य है कि भक्त का वह अंग, भक्त का वह शरीर, भक्त की वह मज्जा, वह जो हड्डी है जिसको हम अस्थि कहते हैं, वह अस्थि जिस अस्थि ने जीवन भर भगवान की सेवा की, जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श किया हो, उस शरीर का कुछ अंश हमें जो है धरती के अंदर और उस धरती का स्पर्श हमें मिले, उस सौभाग्य की बात हो। अन्यथा ये शरीर तो मलमूत्र से बना, मगर यह शरीर ही परम पवित्र सेवा में पूर्ण कह लिया जाता है। राज्य के बारे में हमने बहुत कुछ सुना और हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है कि जो वो हम लोग कुछ आगे तक कर पाए। और मेरे प्यारे गुरु भाई दामोदर महाराज, इनके अंदर वो ललक जगा के गए हैं हमारे परम गुरु बतुरी अश्विन महाराज जी की ग्रंथ की तरफ ध्यान देना, तो इनकी रुचि है। देखिए आगे भी बहुत सी भावनाएं हैं, रुचि हैं, लेकिन इन लोगों की कृपा पूरी होने के बावजूद भी, पूरी माँ बाप की कृपा होने के बावजूद भी बच्चा अगर पूरी तरह शरणागत होता है तभी वो कुछ गेन कर पाता है। तो हमारी शरणागति में कमी हो सकती है, मगर इन लोगों की कृपा में कोई हमारे पे कमी नहीं है। और हम प्रयास करेंगे जिससे जिससे कि हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। हमारे परम गुरु जी के बारे में महाराज जी ने एक बात बोला था, तो घटना तो नहीं, सिर्फ इतना सा बात था। वो कहते हैं परम गुरु जी का ऐसा प्रभाव है, जो विषय में जाना चाहता है उसको अपने कृपा से ऐसे मोहित करते थे वो वहां जा नहीं पाता है। महाराज जी इसको लेकर के एक उदाहरण सुनाया था, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इतनी बात महाराज जी ने वो दृष्टांत के माध्यम से इस बात को इतना गंभीरता से हृदय में डाला कि तुम जो है उनके लिए उनकी सेवा को उद्देश्य बना करके रहोगे, तुम अगर चंचल भी होगे, विचलित भी होगा,
तो भी वो तुम्हें पकड़े ही लेंगे। ये विशेष क्या है? मैं बोल रहा था पूरा कि महाराज जी जो है उनका जीवन था, गुरु जी का है, ऐसे ही महाराज जी का भी उनका जीवन सिर्फ अपने गुरु सेवा में ही जीवन है। इसलिए महाराज जी ने बोला ऐसा अगर होता है तो किसी संदर्भ में अवांछित वस्तु हृदय के अंदर ग्रास करने का कोशिश करता है तो भी गुरु कृपा जो है उसको ऐसा पकड़ के ऐसा खींच के बाहर निकाल देता है। और महाराज जी का बोलने का इतना अद्भुत तरीका था। महाराज बोलते हैं जो उसमें है उसको पता नहीं चलेगा, मतलब जिसको पकड़ के उठा रहे हैं उसको ये आभास भी नहीं होगा कि मैं किसी ऐसी प्रतिकूल स्थिति में आया था और उसमें से मुझे उठा रहे हैं। सब कुछ सहज रूप से लगेगा, वहां सिर्फ सेवा वृत्ति है, ना कोई शोक है ना ग्लानि है। वो सेवा के अंदर इतना ज्यादा उसको डुबा लेते हैं उठाकर, उसके बाद वो उसी के अंदर डूब जाता है और जीवन व्यतीत हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। ऐसे हमारे परम गुरु जी का व्यक्तित्व था। उसके लिए महाराज ने मुझे एक कहानी सुनाया था, वो मेरे लिए है, जो आज उनका भी तिरोभाव देती है। आज तो कोई भी वस्तु आपके लिए कुछ लिए ही है, लेकिन वो बातें जो है नहीं, वो तो फिर वो ऐसा कुछ चीजें बोल भी नहीं सकते। वो सुन के ऐसा लगे हम अपनी महिमा बोल रहे हैं, ये भी एक दुर्भाग्य है। ये तो सिर्फ मेरे मंगल के लिए, मेरे उसके लिए मुझे शिक्षा दिया, मैं इसी के सार बता दिया। इसमें महाराज जी ने इस बात को आगे रखा था। हरे कृष्ण। गुरुदेव कृपा करें, आज थोड़ा समय का टाइम 10 नहीं बजे, लेकिन आज थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। कल ड्यूटी पे आप लोगों को जाना पड़े तो ये सोच लेना कि आज वैष्णव की सेवा के लिए रहे, लेकिन जैसा भी समय की मैं कोशिश करूँगा ध्यान रखूँगा, और अगर ध्यान नहीं रहा जहाँ कुछ अच्छा होगा। पहले ही ये सोच के बैठ जाना कि Thank you.
Krishna, 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 Krish
Oh,
Thank you.
Oh,
Yeah.
जय नित्रिला पुरुष विष्णुपाद परमहंस वैराग्य आचार्य।